नगर परिषद कांटी कार्यालय परिसर में एक साल बेमिसाल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी पहुंचे, जहां पर केक काटकर सभापति व उपसभापति और सभी वार्ड पार्षद ने बधाई दी। इस अवसर पर नगर परिषद वासियों के लिए जिम की सुविधा मिले, जिसको लेकर आज रिबन काट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सभापति ने एक साल के कार्यों को जनता के बीच संबोधन के दौरान बताया और कहा कि आने वाले समय में बहुत कुछ काम करना है और आगे नगर परिषद को बढ़ाना है। इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, नगर मंडल भाजपा अजय श्रीवास्तव, वार्ड संघ अध्यक्ष आनंद राज, जदयू युवा नेता उज्ज्वल गुप्ता, वार्ड संख्या 3 वार्ड प्रत्याशी राम प्रवेश पंडित, मोहम्मद शहजाद, सोमू गुप्ता, अमित कुमार, राकेश कुमार, वीरेंद्र सहनी, रामनाथ गुप्ता, मेनिका कुमारी, शंभू राम, युवा नेता संजीव कुमार, भूषण राम मकसूद, आलम उर्फुल बाबू, विनोद सहनी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज नगर परिषद का जो गठन वित्तीय वर्ष हुआ था, आज एक साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार जी, उपसभापति अजय गुप्ता जी सहित तमाम पार्षद प्रतिनिधिगण द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर और केक काट करके मनाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और बेमिसाल तो निश्चित तौर पर इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी एक साल के अंदर में जितनी सड़कें बनी है, नाला बना है, लाइटिंग का व्यवस्था हुआ है और नगर परिषद के लोगों की स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि अभी कई तरह की बीमारियां होती रहती है, अगर जिम वगैरह अगर ना हो तो स्वास्थ्य को देखते हुए व्यवस्था की गई है, जिम का आज उद्घाटन भी किया गया है, तो लगातार नगर परिषद अपने विकास के ओर अग्रसित है। इसलिए मुझे लगता है कि एक साल बेमिसाल निश्चित तौर पर कांटी नगर परिषद का जो कार्यकाल रहा है, यह स्लोगन बहुत ही अच्छा इन्होंने देने का काम किया है और मुझे पूरा आशा है कि जो वर्तमान नगर परिषद का जो कमेटी है, तमाम पार्षदगण, सभापति, उपसभापति जी मिल करके नगर परिषद को विकास की ओर आगे ले जाने का काम करेंगे। कुछ कमियां भी बताई गई है, कमियों को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, जहां काम होता है वहीं कमी दिखाई देती है और जो काम नहीं करता हो, बतौलेबाजी करे, तो उसके में क्या कमी खोजिएगा आप? तो काम हो रही है तो थोड़ा बहुत तो कमी मिलेगा ही, लेकिन आपको निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि जो रफ्तार से कांटी का नगर परिषद कार्य कर रहा है, आने वाले समय में कोई कमी भी नहीं दिखाई देगा, दुरुस्त रहेगा सब निश्चित तौर। आज हम लोग कांटी नगर परिषद के प्रांगण में हैं और आज एक साल बेमिसाल का कार्यक्रम था, जो हम लोगों ने एक साल पहले इसी तारीख को शपथ ग्रहण इसी ग्राउंड में लिया था, बगल कांटी के नगर परिषद ग्राउंड में, कि हम लोग सभी को बिना भेदभाव के इस कांटी का विकास करेंगे। कुछ लोग का कहना था कि दिलीप कुमार नरसंडा के हैं तो शायद विकास ज़्यादा उधर होगा, लेकिन अब पूरा कार्य जो भी हुआ है वो उठा कर देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा विकास कांटी शहर का ही हुआ है और आगे भी होता रहेगा, सभी लोग का बराबर हुआ है, लेकिन कांटी शहर पर विशेष ध्यान हम लोगों का था कि विकास करना है, जो काफ़ी पीछे छूट गई थी उसको आगे बढ़ाने का। हमने एक साल की बड़ी उपलब्धि रही कि हम लोग पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कार्य रोड और नाला का निर्माण हम लोग 56 रोड का कंप्लीट कर चुके हैं, रोड इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, 56 रोड बनाए हैं, 13 नाला बनाए हैं, 9 नाले पे काम चल रही है और उसके बाद लाइट लगवाए हैं, CCTV कैमरा लग रही है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो जिम लग रही है लोगों के लिए ही है, मतलब काफी सारे काम, सोखता 284 सोखता हम लोगों ने नगर परिषद में बनवाने का काम किया है, लाइट 3000 पीस लगवाने का काम किया है और अभी भी राशन किराशन जो हम लोग पहले करते थे वो करते आ रहे हैं, तो चौमुखा विकास जनता का जो डिमांड था, प्रतिनिधि लोग जो भी कहे सभी कार्य करने का हम लोग काम किए हैं, वही एक साल बेमिसाल हम लोगों का है, हम लोग काम में अग्रसर है, आगे बढ़ रहे हैं, कांटी नगर परिषद काफी विकास कर रही है। कुछ ही दिनों में CCTV कैमरा का वो पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा, साइन बोर्ड लग जाएगा, अगर मान लीजिए कहीं स्टेशन पर जाना हो तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप साइन बोर्ड देख के स्टेशन पर पहुंच जाइएगा, हॉस्पिटल के पास रुक जाइएगा कि हॉस्पिटल यहाँ है, अगर कहीं चोरी होती है तो CCTV कैमरा लग रही है, उन लोगों की खैर नहीं उन लोगों को जो उपद्रवी लोग हैं, तो काफी सारे हम लोगों ने एक साल में जितना कार्य किया है
हम देखे हैं 20 साल नजदीक से नगर परिषद को देखे हैं, इतना कार्य आज तक नहीं हुआ था जितना हम लोगों ने सभी टीम मिलकर, पूरे नगर परिषद की टीम मिलकर, हमारे पार्षदगण, हमारे नगर परिषद के स्टाफ जो भी हैं, कार्यपालक, बड़ा बाबू, नागरिक, सब लोग का मेहनत है। दिन दिन रात खटकर वो लोग सभी लोग इस कार्य को पूरा करते हैं। आगे का रणनीति है कि हम लोग जो भी काम बचा हुआ है जनता के हित का, वो सारा काम इस 5 सालों में पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे कि हो जाए। चुनावी वादे में आपके शामिल था कि ग्राम का एक मामला था बच्चों के खेल के लिए, हार के लिए, बस अब उसी पे हम लोग चलेंगे। यहाँ से जो जिम था वो बच्चों के लिए ही है, उसी का ये पार्ट है, वहाँ भी एक ओपन जिम रहेगी और वहाँ हम लोग टेंडर में भेज दिए हैं लाइट का मास्ट, हाई मास्ट लाइट का, और चारों तरफ ग्राउंड के चारों तरफ रोड बनने की पेवर्स का हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है, और वहाँ भी बैरिकेडिंग बाहर से लोहा का लगेगी और बेंच भी लगेगा और पार्क टाइप का भी बाहर से बनेगा और गेट भी वहाँ बनेगा। मतलब बस कुछ ही दिनों में उसका भी काम पूरा कर लिया जाएगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब अंतिम अब वही बच गया है जो कि ब्लॉक के बाद हम लोग अब नगर परिषद से वही ग्राउंड का जो विकास करना है स्वामी विवेकानंद स्टेडियम का, उस पर हम लोग अब भिड़ जाएंगे। क्या शेड्यूल रहेगा ये, क्या जिसका शेड्यूल हम लोग बनाकर आपके माध्यम से फिर हम उसको बता दिए। कई वार्ड पार्षद अनुपस्थित रहे, हो सकता है निजी कारण हो, हमको नहीं पता, हो सकता है सभी लोग ऐसा कुछ नहीं है और कुछ के मन में ऐसा कुछ है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग काम ही ना कर सकते हैं। अब काम हम लोग कर रहे हैं तो कहीं कुछ लोगों के काम से दिक्कत हो सकता है, कुछ लोग को कुछ चीज़ से दिक्कत, कुछ लोग को हमसे भी दिक्कत हो सकता है, तो होगा ही। घर में जब एक परिवार में आप लोग रहिएगा तो ढब्बा लगता ही है, तो वो होते रहता है, उस पर विशेष मेरा उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हम इस चीज़ से विचलित ना हुए हैं और ना विचलित होंगे, ना डरने वाले हैं ना डरेंगे। बोले थे ना बैठेंगे ना बैठने देंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे, हम उस कार्य को करते आ रहे हैं और आगे करेंगे। हमको किसी चीज से कोई विचलित कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। मिसाल बेमिसाल ऐसा नाम दिया गया है, और नाम क्या दिया गया है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरे साल में नगर परिषद कांटी जितना विकास किया है पूरे बिहार में, हमें नहीं लगता है कि कोई नगर परिषद में इतना विकास हुआ हो। इसलिए एक साल बेबी साल ऐसा लोगों का कहना है कि पूरे साल में एक अच्छा काम हुआ है, बेमिसाल को काम हुआ है, इसका कोई मिसाल नहीं। देखिए कमियां होती हैं, काम जहां होता है वही कमी होती है। थोड़ा बहुत कमियां हम लोगों में भी हुआ है, उसको सुधार करेंगे, ठीक करेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चुनाव के पूर्व भी हम लोगों ने, अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने बताया था कि सुंदर नगर परिषद, एक विकसित नगर परिषद, एक व्यवस्थित नगर परिषद देने का प्रयास करेंगे, और उसमें हम लोग सब लोग एक तरह से समझिए कि पूरी टीम के साथ, पूरे मेहनत के साथ लगे हुए हैं, जिसका परिणाम है कि आज आप देखते होइएगा एक बेहतर जिम भी देने का प्रयास किए हैं। और आने वाले समय में हम बताए हैं कि 2-3 महीने के बाद खाली नगर परिषद का एक रूपरेखा ही चेंज देखने को मिलेगा। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से आपके सुरक्षा, माताओं एवं बहनों को सुरक्षा का भी व्यवस्था किया है, और 2-3 महीने के अंदर एक पूरे नगर परिषद में हर चौक चौराहे पे बोर्ड लगना है, कौन सा चौक किसके नाम, वार्ड पार्षद का, मोहल्ले का नाम, माने ये सारा माने एक अलग दिखने को मिलेगा नगर परिषद का। कई वार्ड पार्षद जो है यहाँ पर उपस्थिति से क्या मामला है, क्या हो सकता है कोई निजी कारण होगा, नहीं आए होंगे, अलग विषय है, सब लोगों की सहानुभूति है। अगर कोई बात है मन में तो कोई इशू नहीं है, हम लोग बैठेंगे फिर उनको देख लेंगे। विरोध किस बात का, विरोध का है तो देखिए विरोध करना, अगर विरोध हमें नहीं लगता कि ऐसा है, अगर ऐसा उनके मन में है तो ऐसा उनकी सोच नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।